सुपर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो वीडियो है वो क्लास नाइन की है, जिसमें हम पढ़ने वाले चैप्टर पॉलीनोमियल एंड एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, टू फैक्टराइज दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, तो आप फैमिलियर हो इस चीज से। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 8th क्लास बाय स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, टू सॉल्व दिस वी हैव टू यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिस मेथड वी हैव टू अप्लाई टू फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ठीक है, इसमें करते क्या, लेट चेक द जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, टू सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मेथड व्हाट वी हैव टू डू, वी टेक कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, व्हाट वी डू मल्टीप्लीकेशन। तो सिमिलरली वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 12 एंड 1 वी गेट 12। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द टू नंबर दैट ऑन मल्टीप्लीकेशन गिव यू 12 एंड ऑन आइदर सब्ट्रैक्शन और एडिशन गिव्स यू माइनस 7। या तो प्लस करके आ जाए या फिर माइनस करके आ जाए माइनस 7। ठीक है, तो हम चेक करने का तरीका, भाई 12 के मल्टीपल जाएंगे, 12 किसके टेबल में आते हैं, एक तो आता है भाई 12 बन जा कह सकते हैं। ठीक है, 12 एक कह सकते हैं भाई 3 4 जा 12। ठीक है, एक कह सकते हैं भाई हम 2 6 जा 12। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा आप कर सकते हो प्राइम फैक्टर मेथड, भाई 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 बन जा। तो आप ले लो इन दोनों नंबर को, ले लो इसको, ले लो तो दो नंबर की हो जाएगी, कौन सा होगा 3 2 6, एक नंबर 6 हो गया, एक नंबर 2 हो गया। तो कैसे भी ढूंढ सकते हो आप। तो भाई ये मल्टीप्लाई करके हमें 12 तो मिल रहा, लेकिन हमें क्या चाहिए, उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करके माइनस 7 दिया है। तो अगर मैं पहला ले लू भाई 12 बजे 12, हाँ है हमें चाहिए, लेकिन अगर मैं 12 प्लस 1 करूं तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा 13, ये हमें नहीं चाहिए। अगर मैं 12 माइनस 1 करूं तो कितना हो जाएगा 11, ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको देख लो भाई, 6 और 12 है, 2 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, ये हमें नहीं चाहिए। माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको देख लो भाई, 3 4 12 होता है। अब मैं अगर 4 में 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 1, ये नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या हो रहा है 7, और ये हमें चाहिए, है ना। तो हमें मिल गया भाई, मल्टीप्लाई करके 12 भी आ रहा है और प्लस करके 7 भी आ रहा है, बट हमें किसका चाहिए प्लस, हमें जो चाहिए 7 वो चाहिए माइनस का। तो ये माइनस कब आएगा, जब दोनों नंबर क्या होंगे माइनस के। ठीक है, तो इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, राइट द फर्स्ट टर्म एज इट इज एंड द लास्ट टर्म एज इट इज विद साइन। नाउ स्प्लिट माइनस 7x इन 3 एंड माइनस 4 की फॉर्म में, तो माइनस 3x माइनस 4x, पहले भी लिख सकते हो 4 को भाई, माइनस 4x माइनस 3x कैसे भी। नाउ टेक कॉमन, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 3x, 3 4 जा 12 है, यानी कि x बचेगा और 3x चलेगा तो 1। अब हमें यानी कि जो हम यानी कि नेक्स्ट में कॉमन लेंगे तो उसके ब्रैकेट में भी यही बचना चाहिए, अगर ये नहीं बचा तो हमने कहीं गलती कर दी। तो क्या 4x माइनस 1, भैया माइनस है तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं भाई, 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1, तो बच गया ना सेम सेम, यानी कि सेम सेम बच गया, तो हम सही कर रहे हैं। टेक कॉमन, तो आ जाएगा 4x माइनस 1 कॉमन और बच जाएगा 3x माइनस 1। तो ये आपका दो फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इनको हम चेक भी कर सकते हैं वैसे भाई, कैसे 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4। दूसरे का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/3। ये वैल्यू अगर आप यहां पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स, और फैक्टर होते हैं तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। तो वीडियो आपको समझ आई, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। थैंक यू।